गाजियाबाद में हुई पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के विरोध में गुरुवार को मुरादाबाद के पत्रकारों ने पैदल मार्च निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है। मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब के तत्वावधान में पत्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहर के सिविल लाइन क्षेत्र अम्बेडकर पार्क पर एकत्रित हुए और वहाँ से पैदल मार्च करते हुए जिला मुख्यालय पहुँचे और जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है। इस दौरान मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गाजियाबाद के युवा पत्रकार विक्रम जोशी की मासूम बच्ची के सामने निर्मम हत्या कर दी गई। यदि समय रहते स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती तो शायद ये घटना होने से बच जाती। हमारी मांग है कि पत्रकार व पत्रकारिता को हानि पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटा जाए, जिससे पत्रकारिता को अच्छा माहौल मिल सके और पत्रकार बेखौफ होकर पत्रकारिता जारी रख सके। उन्होंने कहा कि संगठन मांग करता है कि पत्रकारों के उत्पीड़न और पत्रकारिता के दामन को रोकने हेतु उचित कदम उठाए जाएं, साथ ही पत्रकारों सहित उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन देने वालों में राजीव शर्मा, सुशील कुमार सिंह, मोहम्मद इमरान, अंकित शर्मा, शरद गौतम, प्रशांत शर्मा, आकाश शर्मा, आशु खान, यासीन मलिक, मयंक व्यास, आशु गौतम, सकलेन, मनोज कश्यप, राजेश राजा, काशिफ खान, हिमांशु शुक्ला, सुनील कुमार, कमलदीप सिंह, अंशुल चौहान, शाहरुख हुसैन, आर के राजू, वैभव, हर्षित ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अमन सागर सहित कई पत्रकार शामिल रहे। ये देखिए, आपने ये कौन से क्लब के माध्यम से क्या देखिए, आज मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब मुरादाबाद की तरफ से एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ प्रेषित किया गया हैगा। विषय था गाजियाबाद के एक हमारे पत्रकार साथी विक्रम जोशी की हत्या, बड़ी निर्मम हत्या उसकी की गई। एक छोटी बच्ची के सामने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। क्लब संगठन और सारे पत्रकार साथी इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये मांग की गई है कि ज्ञापन के माध्यम से कि पत्रकारिता के लिए एक बहुत अच्छा सा माहौल प्रदान किया जाए, जिससे सारे पत्रकार बेखौफ होकर फील्ड में काम कर सकें। हालात को देखते हुए लग रहा है कि पत्रकार और पत्रकारिता का दमन हो रहा है, किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरीके से विक्रम जोशी के मामले की बात सामने आई थी कि उसने पहले से ही पुलिस को सूचित कर दिया गया था और पुलिस ने उस पर एक्शन नहीं लिया, शायद एक्शन लिया गया होता तो आज प्रांशु जोशी हम लोगों के बीच में होता, लेकिन विक्रम जोशी हम लोगों के बीच में होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है इसमें, ये जिसकी सारे लोग भर्त्सना करते हैं। इसके अलावा भी पत्रकारों के साथ उत्पीड़न के मामले बहुत सारे सामने आते हैं, पत्रकार और पत्रकारों के परिवारों का भी उत्पीड़न किया जाता है। मुख्यमंत्री जी से मांग यही की गई है कि पत्रकारों के और पत्रकारों के परिवारों के उत्पीड़न को रोका जाए, एक अच्छा माहौल हमें प्रदान किया जाए, जिससे हम पत्रकारिता बेखौफ होकर और खुले रूप से कर सकें। ज्ञापन के लिए क्या कहते हैं? देखिए, ज्ञापन की ये कोरोना काल चल रहा है, ज्ञापन की एक प्रोटोकॉल है उसमें कि किसी भी कागज़ का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इसलिए हम ऑनलाइन DM साहब को और मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देंगे।